वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम यहां पर मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट है सिंपल वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम और ये बहुत सिंपल कंपोनेंट से हम इसको बनाने जा रहे हैं और इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले एक तकरीबन 8 सेंटीमीटर का जो है एक टेप का या प्लास्टिक टेप का रोल चाहिए होगा, कॉपर कॉइल जिसका गेज 26 mm, 28 mm कोई सा गेज हो सकता है, 3000 UF के कैपेसिटर, फ्यू डायोड्स, दो रेजिस्टर, 3.3K के दो रेजिस्टर हमें चाहिए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है TTC5200 ट्रांजिस्टर और एक बल्ब। सबसे पहले जो पेपर टेप का रोल है जिसका डायर तकरीबन 8 सेंटीमीटर होना चाहिए ये लेंगे और इसके ऊपर आपने कॉइल करना है और जैसे कि हम एक कॉइल बना चुके हैं आपको नजर आ रहा होगा, इसके तीन टर्मिनल्स हमने निकाले हैं। इसके दो टर्मिनल्स सिंगल वायर हैं और सेंट्रल टर्मिनल एक डबल कॉइल है। इस तरह हमारे पास 50-50 टर्न्स की जो है तीन टर्मिनल्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद आप सर्किट डायग्राम के मुताबिक आप इसको कनेक्शन करना होगा और जैसे आप देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम में अगर हम ट्रांजिस्टर को सामने रखें बिल्कुल अपने, तो इसका लेफ्ट बेस कहलाएगा, सेंटर इसका जो है सेंटर पिन जो है कलेक्टर है और साइड पिन एमिटर। ये कॉइल हमारे सामने है, इसका सेंटर पॉइंट और इसके साइड पॉइंट्स। उसके साथ आप 3.3 kΩ के दो रजिस्टर या 6.6 kΩ का एक ही रजिस्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं, आप देखेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करने के बाद पहले आप इसके ऊपर की जो वार्निश है इसको आपने हटाना होगा। उसके बाद सिर्फ सिंगल पॉइंट्स यहां पर मैं आपके सामने ज्वाइन कर रहा हूं कि इसको जो है इसके साथ सिंपली कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद ट्रांजिस्टर के बेस के साथ रजिस्टर का जो एक टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट को जो है इसका जो दूसरा टर्मिनल है जैसे ये नजर आ रहा होगा आपको, पहले टर्मिनल को हमने रजिस्टर लगाया और यहाँ दो रजिस्टर में शो हो चुके हैं लेकिन हमने एक ही 6.6 kΩ का रजिस्टर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको बेस के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरा टर्मिनल जैसे यहाँ पर शो हो रहा है इसको हम सेंट्रल पॉइंट यानी कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। और सिंपल ये हमारा प्राइमरी कॉइल का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद सेकेंडरी कॉइल हमने बनानी होगी। सेकेंडरी कॉइल भी सेम यही करना होगा कि इसी रोल के ऊपर आपने तकरीबन 20-30 टर्न्स देनी होगी और सर ये आप एक कॉइल डिज़ाइन कर लेंगे जैसे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है इसको टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो एक वायर जो है मैं इसके एमिटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। याद रखिएगा इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और एमिटर जिसका साइड राइट साइड है ट्रांजिस्टर का इसे हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास पावर सोर्स है 12 वोल्ट की, हम इसको कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे इसको टच करता हूँ और ये ग्लो कर रहा है और इसका ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है तो इसलिए हमें एक हीट सिंक जो है इसके साथ लगाना होगा ताकि इसके टेम्परेचर को जो है हम कंट्रोल में रख सकें। इसको हम वर्टिकली रख के टेस्ट करते हैं और इसका डिस्टेंस देखते हैं कितने डिस्टेंस तक की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये काम कर सकते हैं। तो तकरीबन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो है एलईडी ये ग्लो करना शुरू हो जाती है।
सो उसके बाद मैं एक छोटा सा जो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है जिसकी रेटिंग तकरीबन 6 वोल्ट और 2 वाट का बल्ब है, इसको जो है मैं इसके साथ टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बल्ब भी जो है डेफिनेटली काम कर रहा है। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके दो डिफरेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसे हम चला सकते हैं। आपने जैसे देख चुके हैं कि हम ये बल्ब भी चला चुके हैं और अब हम एक छोटी सी कॉइल एक डिज़ाइन की है, बिल्कुल छोटी सी, इसको भी हम इसके टेस्ट करेंगे। सेकेंडरी कॉइल जो आप देख सकते हैं कि ये सिंपली एक कॉइल है और डायोड के साथ कैपेसिटर और इसको हम एक पीसी फैन के साथ कनेक्ट कर दिया है। लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। वाओ, इट्स वर्किंग।